सवाल ये है कि कोई क्या इतना जाहिल भी हो सकता है कि वो कहे सन 47 में आज़ादी नहीं मिली थी? तो उसकी एक अच्छी मिसाल है कंगना रावत, कि इतना जाहिल हमारे देश के अंदर लोग मौजूद हैं कि जिन्हें पता नहीं कि सन 47 में देश आज़ाद हो गया। समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे खड़ा होकर के कि भगत सिंह ने इसलिए फांसी पर चढ़े थे वो कि 2014 में मोदी की गवर्नमेंट बनवा दें, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है भगत सिंह की, इसी मानसिकता के लोगों ने। लेकिन अब भगत सिंह के ऊपर भी हमला है, अब भगत सिंह को भी ये कहा जा रहा है कि वो मोदी की गवर्नमेंट बनवाने के लिए फांसी चढ़े थे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। कंगना रावत जैसे लोगों को आज़ादी नहीं मिली। 70 साल तक गांधी के मर्डर के बाद इस देश की जनता ने उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने की आज़ादी नहीं दी थी। 2014 के बाद ये आज़ादी मिली, वो सही कह रही हैं। डॉक्टर कफील को जेल में भेजने और उनको निकालने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको जेलों में भरने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। त्रिपुरा में आग लगाने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। ये आज़ादियाँ नहीं थी, वो सही कह रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जब सब ये कहें खामोश रहो आवाज़ उठाना लाजिम है, ये कविता है गोहर रजा की, जो साइंटिस्ट है पोइट है और हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आपकी इस कविता से याद आया कि अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट कंगना रनौत का आता है और वो आज़ादी को लेकर टिप्पणी करती है, जिस पर आज एक पूरा तबका जो है वो खामोशी छाए हुए है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट? कंगना रावत के ऊपर कोई कमेंट करना खुद अपनी बेइज्जती करना है, लेकिन बहरहाल उनको सम्मानित कर दिया गया इस बीच में, तो इसलिए कुछ लोगों को तो वो कंफ्यूज कर ही सकती हैं। अब सवाल ये है कि कोई क्या इतना जाहिल भी हो सकता है कि वो कहे सन 47 में आज़ादी नहीं मिली थी? तो उसकी एक अच्छी मिसाल है कंगना रावत, कि इतना जाहिल हमारे देश के अंदर लोग मौजूद हैं कि जिन्हें पता नहीं कि सन 47 में देश आज़ाद हो गया। स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो दूसरे हिस्से को भी देख लेते हैं। ये जहालत से भरा तो है ही कि कोई कहे कि 2014 में ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये बहुत बेइज्जती करने वाला भी है स्टेटमेंट। ये हमारे सारे शहीदों की बेइज्जती करने वाला है। जो कुछ 70 साल में हमारे देश में अचीव किया गया है उसकी बेइज्जती करने वाला है। जो दुनिया में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साख बनी ये उसकी बेइज्जती करने वाला है। और ये पूरी जो सभ्यता है पिछले 4000 साल की, उसकी बेइज्जती करने वाला है। पर सर, इस स्टेटमेंट को क्या लगता है, आप व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश? जाहिर है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और उसी साजिश के हिस्से की वजह से ऐसे लोगों को देश के सम्मान दिए जा रहे हैं। देश के सम्मान का सम्मान घटाना है ये। मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे खड़ा होकर के कि भगत सिंह ने इसलिए फांसी पर चढ़े थे वो कि 2014 में मोदी की गवर्नमेंट बनवा दें, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है भगत सिंह की। तो मैं इसको क्योंकि बड़ी साजिश का हिस्सा मानता हूँ कि हमारे सारे शहीदों की बेइज्जती की जा रही है, इसलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस देश में 92% नौजवान सर्वे के मुताबिक भगत सिंह को अपना हीरो मानता है। आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का मानता है वो उसी सर्वे के हिसाब से, तो गांधी को मानता है। इन दोनों की बेइज्जती, गांधी का तो कत्ल कर दिया कंगना रावत जैसे लोगों ने उस ज़माने में, इसी मानसिकता के लोगों ने, लेकिन अब भगत सिंह के ऊपर भी हमला है। अब भगत सिंह को भी ये कहा जा रहा है कि वो मोदी की गवर्नमेंट बनवाने के लिए फांसी चढ़े थे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए।
अब उनका दूसरा स्टेटमेंट इस पर सफाई आई है, जिसमें वो कह रही हैं 1857 में लड़ाई लड़ी गई थी, 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई है वो मुझे बता दे, मैं माफ़ी भी मांगूंगी और अपना पुरस्कार वापस भी कर दूंगी। वो पुरस्कार वापस करें ना करें, ये सरकार ने पुरस्कार दिया है तो पुरस्कार की जो अहमियत है वो तो घटा ही दी है, अब वो वापस करने से अहमियत बढ़ेगी नहीं। जहाँ तक 1857 की लड़ाई का मामला है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस तरह लड़ी गई और कैसे लड़ी गई और किन लोगों ने लड़ी और कहाँ कहाँ लड़ी गई और उसके बाद किस तरह का दमन हुआ इस देश के अंदर। 1857 की लड़ाई एक लड़ाई थी, जो 90 साल तक बाकी जनता ने लड़ाई लड़ी उसके बारे में उन्हें इल्म भी नहीं है। वो अपनी जहालत का और एतराफ़ कर रही हैं, वो मान रही हैं कि 1947 में कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। 90 साल तक इस देश की जनता उस दमन के खिलाफ जो 1857 में हुआ था उसके खिलाफ लड़ती रही, कुर्बानियां दी लगातार, फांसी चढ़े, नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, अपने घर के कपड़े खुद जलाए। इसी देश के अंदर नमक आंदोलन हुआ जिसका उनको कोई पता ही नहीं है शायद। ये जहालत की बातें हैं, मेरे ख्याल में वो एजेंट हैं। किसकी एजेंट है? वो उन फोर्सेस की एजेंट हैं जो इस देश को विभाजित रखना चाहते हैं, वो ये चाहती हैं और उन जैसे लोग ये चाहते हैं, उनकी आवाज़ बन के उभरी हैं जो लोग इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। सर लगातार क्योंकि आज़ादी का हर पर्व मनाया जाता है और अब तो 75वां वर्ष मनाने के लिए धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री हर बार स्पीच देते हैं, हर छोटी से बड़ी घटना पर वो बोल जाते हैं, उनकी खामोशी, खुद राष्ट्रपति जिन्होंने सम्मानित किया, क्या उनकी नज़र में ये इतना बड़ा बयान जो देश की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता हो, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर उनका तिरस्कार करता हो, तो क्या उनको पता नहीं चलता उनकी खामोशी क्या दर्शाती है, क्यों वो खामोश हैं? इस वक्त जो फैशिज्म के कदम हैं इस देश के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ रेजिस्टेंस भी बहुत है। कंगना रावत का जिस तरह से बहिष्कार किया गया है इस बीच में, वो भी कम स्ट्रांग नहीं है। ये नहीं मानना चाहिए कि उसमें कोई कमज़ोरी है, वो भी उतनी ताकत के साथ लोग उतरे हैं जिन्होंने कंगना रावत जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस जो स्टेटमेंट को देखें तो एक हिस्सा इसका और भी है कि किसको आज़ादी नहीं मिली 1947 में, कंगना रावत जैसे लोगों को आज़ादी नहीं मिली। 70 साल तक गांधी के मर्डर के बाद इस देश की जनता ने उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने की आज़ादी नहीं दी थी, 2014 के बाद ये आज़ादी मिली, वो सही कह रही हैं। डॉक्टर कफील को जेल में भेजने और उनको निकालने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको जेलों में भरने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। त्रिपुरा में आग लगाने की आज़ादी 2014 के बाद मिली है। ये आज़ादियाँ नहीं थी, वो सही कह रही हैं। उनके सपनों का भारत भगत सिंह के सपनों के भारत से अलग था, इस देश के नौजवान के सपनों के भारत से अलग था। 2014 के बाद उनको डेफिनेटली आज़ादी मिली है। ये सब कुछ कहने की और जहालत को एक लेजिटिमेसी 2014 के बाद ही। एक आखिरी सवाल सर, संविधान को बदलने के लिए आए हैं ऐसा स्टेटमेंट भी कई बार सामने आ चुका है, उसको बढ़ावा मिला और धीरे धीरे अब ये बात यहाँ तक, पहले गोडसे की बात आती, फिर सावरकर को लेकर बहस छिड़ना, जिन्ना का जिक्र आ जाना, लगातार इस तरह की कंट्रोवर्सी देश में हो रही है। सवाल मेरा ये है कि सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन ये जो अभी दौर चल रहा है, क्या इससे, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है, तो इससे कैसे निकला जा सकता है? क्या लगता है कि ये बहुत घातक साबित हो सकता है या ये सिर्फ एक महज दो पल का दौर है और टल जाएगा? नहीं, ये दो पल का दौर नहीं है, क्योंकि 2014 से पिछले 7 सालों में अब तक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कल्चरल चेंज आया है, यानी पॉलिटिक्स की संस्कृति को जिस तरह से बदला गया है, वो ज़्यादा खतरनाक है। कल हो सकता है बीजेपी रहे ना रहे, लेकिन दूसरी सरकारों के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं कि किस तरह से यूपीए का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को जेलों में भरा जा सकता है, किस तरह से मीडिया और लीगल स्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तबाह किया जा सकता है, ये रास्ते उन्होंने खोल दिए हैं।
जनता अगर आज खड़े होके बहुत बड़े लेवल पर मुंह तोड़ जवाब नहीं देती है तो जाहिर है कि आगे आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को ये रास्ते खुले हुए मिलेंगे। इमरजेंसी के बाद इस देश के आवाम ने इंदिरा गांधी को इतना बड़ा जवाब दिया था कि अब खुद बीजेपी की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस देश में इमरजेंसी लगाए। फैशिस्ट होने के बावजूद वो इमरजेंसी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उस वक्त जवाब बहुत सख्त था। आज भी जनता को उतना ही सख्त जवाब देना होगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए इस देश के अंदर, हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, हमें दखल नहीं चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये सारे जवाब देने पड़ेंगे हमारे देश की जनता को। मेरा ख्याल यह है कि यूपी जवाब देगा। तो गौहर रजा हमारे साथ थे, कंगना रनौत के बयान को लेकर ये बात कर रहे थे। उन्होंने 1947 की आज़ादी को लेकर ठुकराने की बात कही और उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है। इस पर साफ तौर से, स्पष्ट रूप से गौहर रजा ने अपनी बात रखी। आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली।